अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ वेब लाइव के साथ मैं हूं नायला भट्टी। शामिल करते हैं आज की अहम खबर। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ मीरपुर खास सिटी प्रेस क्लब पर मौजूद हूँ। मेरे साथ जो टीचर हैं रियाज जलबानी साहब मौजूद हैं जी। इनके ऊपर एक हफ्ता कबल मक्खन समूह इस हाई स्कूल के ऊपर इनके ऊपर कातिलाना हमला हुआ। कातिलाना हमले की एफआईआर दर्ज न होने के खिलाफ ये सरापा एहतजाज है। इस हवाले से मजीद इनसे जानते हैं, इस हवाले से इनका क्या कहना है। मैं इम्तहानी मरकज़ में यो मक्खन समूह हाई स्कूल में जो उतरे आया एक्सटर्नल होस्ट इम्तहानी मरकज़ में जो मुख्य मंथू नाले कुंभा जो GST है उन्हें जो नकल कराने मन से उनके नकल न कराए, लेकिन मुझे पिस्टल जहाँ बटन ही मुझे मथे जख्मी कर जख्मी कर मुझे केस दाखिल करबानी कर एफ आई कटी वे नी पान के जो जिम्मेदार ये हों धर्म खास के लिए उनकी भेण आज़ादी जी कुमार जी बच कदल है जी उन्हें मुझे उन्हें केस दाखिल कर गुल मोहम्मद दर्स है उन केस दाखिल कर ना जो SP आ मुझो आजे पान के बाहि दिनी तो जिम्मेवार जी अलह कौमन तलीम इदार ऑफिसर बे उतरे जो हमलो कदड़ मून जी। टीचर रियाज जलबानी साहब की बातें सुनी, इनका यही कहना था एक हफ्ता कबल नकल कराने के ऊपर जो टीचर थे वो नकल करवा रहे थे, जो मैंने उनको रोका रोकने के ऊपर मेरे ऊपर कातिलाना हमला हुआ। कातिलाना हमले की अभी तक FIR नहीं काटी गई है। इन्होंने SSP मीरपुर खास आला हुकाम से मुतालबा किया है फिल फॉर नोटिस लेकर मेरे FIR दर्ज कराई जाए। अगर FIR दर्ज न हुई, मेरे साथ न इंसाफ न हुआ तो मैं SSP ऑफिस के सामने या प्रेस क्लब हैदराबाद या कराची के सामने अपने आपको जला दूंगा। अगर मैं मर जाऊँ तो जो जिन के मैंने नाम लिए हैं उनके ऊपर ये केस दाखिल किया जाए। कैमरामैन टीम के साथ अब्दुल गफ्फार लिगारी, सच TV न्यूज़ मीरपुर खास। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ पेज लाइव। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक जल्द पहुँच सके।